गुड मॉर्निंग किड्स, याद है हम कल माय हाउस के बारे में पढ़ रहे थे? माय हाउस, माय होम, हमारा घर। तो हमने बताया था कि एक हाउस में बहुत सारे कमरे होते हैं, है ना? हर कमरे का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग यूज होता है, हर कमरा अलग चीज के लिए हम यूज करते हैं, राइट? तो सर, कल हमने कौन सा रूम पढ़ा था? कल हमने बात की थी ड्राइंग रूम के बारे में, जहां हम मेहमान को बिठाते हैं। हमारे घर कोई भी आता है तो हम ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, है ना? तो आज हम किसी दूसरे रूम के बारे में बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ डिफरेंट रूम। यस्टरडे वी स्पोक अबाउट, वी डिस्कस्ड ड्राइंग रूम। ड्रॉइंग रूम्स अदर नेम इज लिविंग रूम, है ना? सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ डिफरेंट रूम। एंड विच रूम इज इट गोइंग टू बी, सोचो। चलो मैं एक सवाल करती हूँ, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। विच इज द रूम विच वी स्लीप इन? वो कौन सा रूम है जिसमें हम सोते हैं? करेक्ट, बेडरूम। तो आज हम बेडरूम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? टडा, ये रहा हमारा बेडरूम। सी प्रिटी प्रिटी, है ना? देखो क्या कुछ नजर आ रहा है हमारे को बेडरूम में। बेडरूम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है बेडरूम में? उसके नाम में ही है, बेड रूम, यानी के वो रूम जिसमें बेड रखते हैं, पलंग। बेड यानी के पलंग। तो जिस रूम में हम पलंग यानी के बेड रखते हैं, उस रूम को हम कहते हैं बेडरूम। सो एज यू कैन सी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस रूम में एक बेड है ना? सी, और बेड के ऊपर में क्या होता है? पिलो यानी के तकिया, है ना? हम सर के नीचे रख के सोते हैं, पिलो। और क्या होता है बेड के ऊपर में? ब्लैंकेट या फिर बेडशीट। बेडशीट क्या होती है बेटा? बेडशीट वो होती है जो मम्मी गद्दे के ऊपर बिछाती है, मैट्रेस को कवर करने के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उसे बेडशीट कहते हैं, ओके? और ब्लैंकेट क्या होता है? ब्लैंकेट वो कपड़ा होता है जिसे हम ओढ़ के सोते हैं। When we sleep in the night or in the afternoon, the cloth that we use to cover our body is known as blanket. जैसे हमें ठंड लग रही होती है तो मम्मी हमारे ऊपर में डाल देती है, उसे ब्लैंकेट कहते हैं, ओके? सो ये क्या है? दिस इज अ ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट है, और ये पिलो है। और क्या रखते हैं हम बेडरूम में? बेडरूम में अलमारी होती है जिसमें हमारे कपड़े रखे होते हैं, जरूरत के सामान रखा होता है ना? हमारे घर पहनने वाले कपड़े, हमारे पार्टी वाले कपड़े, वो सारे कपड़े मम्मी अच्छे से आयरन करके, वॉश करके, आयरन करके, फोल्ड करके अलमारी में रखती है। सो अलमारी तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलमीरा, अलमीरा, ठीक है? सो बेड, पिलो, बेडशीट और ब्लैंकेट, अलमीरा। और क्या होता है? सी व्हाट इज दिस? बेड साइड टेबल, जो बेड के साइड में एक छोटा टेबल रखते हैं हम। ये देखो ये बेड है, ये बेड की साइड है यानी कि बेड के बगल में। जो हम छोटा टेबल रखते हैं उसे बोलते हैं साइड टेबल, क्योंकि वो बेड के साइड यानी कि बेड के बगल में रखा होता है, साइड टेबल। तो साइड टेबल पे क्या रखते हैं हम? यूजुअली ज्यादातर साइड टेबल के ऊपर में एक पानी की बॉटल या पानी से भरा हुआ ग्लास
या फिर कि लैंप रखते हैं, ताकि अगर रात को नींद खुल जाए, जैसे समझो आप सो रहे हो और आपको रात को सुसु जाना है, यू वॉन्ट टू यूज द टॉयलेट और यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, तो बेडरूम में तो अंधेरा होगा, यू कैन फॉल ऑल्सो, आप गिर भी सकते हो, तो उसके लिए हम साइड टेबल पे एक लैंप रखते हैं, ताकि जब आपको वॉशरूम जाना है या बाथरूम यूज करना है, हम वो साइड टेबल का जो लैंप है वो ऑन कर देते हैं, तो उससे बेडरूम में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, सो यू कैन सी कि बाथरूम का दरवाजा कहाँ है और आप बाथरूम यूज कर सकते हो जाकर। ठीक है बच्चों? और पानी की बॉटल और ग्लास क्यों रखते हैं? ताकि अगर रात को नींद खुल जाए और आपको प्यास लगी हो, तो आपको किचन तक नहीं जाना पड़े, वहीं बेड के पास में आपको पानी मिल जाता है, जिसे पीकर आप वापिस से आराम से सो सकते हो। सो दिस इज साइड टेबल। ओके, और क्या होता है बेडरूम में? ड्रेसिंग टेबल। देखो मिरर भी लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, जिसमें देखकर, जिसके सामने खड़े होकर आप अच्छे से तैयार होते हो, कॉम्ब करते हो, मम्मी पापा कहीं पार्टी में जाने के पहले अच्छे से तैयार होते हैं, मम्मी लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाती है ना? सो ड्रेसिंग टेबल। ओके, सो ड्रेसिंग टेबल में मिरर भी होता है, शेल्व्स भी होते हैं सामान रखने के लिए। ओके, सो दिस इज अवर बेडरूम। ठीक है बच्चों? अब हम अपनी बुक से पढ़ेंगे कि एक बेडरूम में क्या-क्या होता है। ओके?